तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मर्डर के तार, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस पूरे हत्याकांड में सामने आ रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड से पहले पंजाब जेल में बंद थे हत्याकांड के ये आरोपी, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। आरोपियों की जेल में हुई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से पहचान। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए शूटर्स को 2.5 से 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। हत्या के बाद आरोपी एक दूसरे में पैसों का बंटवारा करने ही वाले थे। बाबा सिद्दीकी को मारने वाले शूटर 1-1.5 महीने पहले ही मुंबई आ गए थे। आरोपी पहले कई बार शूटआउट करने की कोशिश कर चुके थे। दशहरा पर मौका पाते ही हमलावरों ने फायरिंग कर दी। शूटर्स को एडवांस पेमेंट के साथ कुरियर से पिस्तौल डिलीवर की गई थी और उसी पिस्तौल से हत्या की घटना को अंजाम दिया इन शूटर्स ने। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ आखिर बाबा सिद्दीकी कौन थे। बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी बिहार के पटना के रहने वाले थे। एनसीपी अजीत गुट के नेता थे। मुंबई की पॉलिटिक्स में एक जाने माने चेहरा और एक बड़े नेता थे। बांद्रा पश्चिम सीट पर खासा दबदबा वो रखा करते थे। बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रहे। 2014 में बीजेपी नेता आशीष शेलार से हार गए थे। खाद और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री भी वो रहे। अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान के बेहद करीबी थे और इतना ही नहीं बल्कि बॉलीवुड जगत में सबके बीच उनका एक दबदबा था। इफ्तार पार्टी सबसे पहले अपने घर पे ही आयोजित किया करते थे बाबा सिद्दीकी। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए फिलहाल काफी समय बीत चुका है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भी अस्पताल भेज दिया गया है। क्या अपडेट अब तक आप जुटा पाए हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी का जो शव है इस वक्त मुंबई के सुपर अस्पताल में है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसके बाद कुछ देर बाद उनके शव को मुंबई के बांद्रा इलाके में जाकर उनका घर पे वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में उन्हें सपुत्र खा कर दिया जाएगा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के उसी इलाके में जहां पर बीती रात फायरिंग हुई थी। महज कुछ मीटर की दूरी पर उनके बेटे जितान सिद्दीकी, जो यहाँ के विधायक है, उन्हीं के दफ्तर से वो निकले थे। उन्हीं के दफ्तर से जैसे ही वो कुछ ही दूर पर पहुंचे, उसके बाद उनके यहाँ पर ये जो घटना है, जिस वक्त मैं जहां पर मौजूद है यहाँ पर वो फायरिंग हो जाती है। तस्वीरों में देखिए, ये पूरी तरह से बैरिकेटिंग लगाकर इसे बंद कर दिया गया इस तरह से, और कहीं ना कहीं ये वो जगह स्पॉट की गई है जहां पर अज्ञात जो आरोपी थे, आरोपियों ने यहाँ पर उनके ऊपर पहले फायरिंग की। उसके बाद वो यहाँ से गाड़ी में थे, वहां से गाड़ी में से देखिए ये पूरी तरह से इसे मार्क कर दिया गया है और हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे यहाँ से कि कैसे इस पूरे घटने को जो यहाँ पर जहां जहां पर फायरिंग हुई थी उस पूरी जगह को देखिए ये पुलिस ने मार्क कर दिया गया है। मार्क कर दिया ताकि ये तीन, देखिए 1, 2, 3, 4 जगह मार्क थी। यहीं पर पिस्तौल जो गोली लगी थी, जो फायरिंग हुई थी, वही इसके जो पिस्तौल थे वो यहाँ पर पाए गए थे। अब इसे पूरी जगह पूरी तरीके से जो है पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा के रस्ते को बंद कर दिया है। देखिए, ये वो स्पॉट है, पुलिस पलटनामे के लिए आएगी, पुलिस आरोपियों को वापस यहाँ पर जब पूछताछ के लिए आएगी तो ये जगह जो है बहुत मानी जाती है कि आरोपी यहाँ पर पहचान कराई जाती है। देखिए, जिस तरह से जो घटना घटी वाकई में हैरान कर देने वाली है। देखिए, ये तस्वीरें, ये 1, 2, 3, 4 जो पुलिस ने दिखाई है तस्वीरें, और कुल तकरीबन जो 2-3 आरोपी थी जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी, 1 की तलाश अभी फिलहाल जो है वो चल रही है। तो कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जो घटना घटी वाकई में पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर से। लेकिन शुभम, एक सवाल ये उठता है, वाई जो श्रेणी की सिक्योरिटी है वो दी गई थी बाबा सिद्दीकी को जिस दौरान हमला किया गया, जिस दौरान पिस्तौल से गोली
मारी गई, उस दौरान आखिर क्या उनके आसपास वो सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी या फिर कहां चूक कहां रही कि अचानक से हमलावरों ने बीचों बीच सड़क पे इस तरह घटना को अंजाम दिया, गोली मार दी? देखिए, लगातार जो सवाल दागे जा रहे हैं कि इस वक्त उनकी सुरक्षा कहाँ थे, क्योंकि वो पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री भी रह चुके थे। हालांकि हाल ही में उन्होंने अजीत पवार गुट जो है 2 महीने पहले 3 महीने पहले ज्वाइन किया था, तो ऐसे में सवाल यही हो रहा है कि उनकी सिक्योरिटी कहाँ थे, उनकी सिक्योरिटी में जो मौजूद सिपाही पुलिसकर्मी था वो आखिर कहाँ गया था, वो उस वक्त कहाँ मौजूद था, यही कई सारे सवाल जो है इस वक्त खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं, मुंबई पुलिस से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस के टॉप बड़े अधिकारी जो है इसका जवाब जो है वो नहीं दे रहे। लेकिन सवाल यही उठता है कि उस वक्त पुलिसकर्मी कहाँ थे, क्या जब फायरिंग हुई, क्योंकि सामने से फायरिंग जो विजुअल आए हैं सामने, देखिए गाड़ी की जो फ्रंट सीट होती है ड्राइवर के बगल वाले, उस सीट पर जो है बाबा सिद्दीकी बैठे थे, और जैसे ही आरोपी को पता चला कि वो दफ्तर से बाहर निकले, उन्होंने जो है गोलियों की बौछार शुरू कर दी और 2 गोली जाके शीशे को तोड़ के पेट में जाके लगती है। जानकारी मिली है कि 3 आरोपी थे, तीनों ने तकरीबन यहाँ पर 5 जो है मार किए गए, यानी तकरीबन 5 से 6 गोलियां जो है वो होनी गई थी गाड़ी पर, 2 से 3 गाड़ी को छेदी, 2 उनके पेट में लगी है, तो 6 स्पॉट जो है इस लोकेशन पर बनाए गए हैं। इससे जाहिर होता है कि तकरीबन 6 गोलियां जो है यहाँ पर मुंबई पुलिस को मिली थी, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 6 गोलियां पिस्तौल से जो है वो निकली गई थी। बिल्कुल, देखिए यही बात है शुभम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले गोलियां जो है वो गाड़ी पे दागी गई, साफ ये दिख रहा है कि सेकंड का भी गैप नहीं है, गाड़ी से निकलते हैं और अचानक से गोलियां बरसा दी जाती है, यानी कि ये शूटर्स बहुत बड़े अपराधी थे, एक्सपर्ट्स रहे होंगे, तभी निशाना जो है वो चूका भी नहीं। ये भी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए इस मामले में एक एंगल ये भी आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उनके गुर्गे थे ये, मुलाकात तो हुई थी एक गुर्गे से जेल में, उसके बाद उसने 2 से 3 लाख रुपए की सुपारी दी, सुपारी देकर हत्या करने की बात सामने आई थी, क्या इसको लेकर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई हो? देखिए बिल्कुल, जो जानकारी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य माने जा रहे थे और एक दिन पहले डिलीवरी बॉय से बंदूक जो है दी गई, यानी परसों दी गई थी, कल रात घटना से पहले परसों दी गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से डिलीवरी बॉय की तरफ बंदूक दी गई थी। अब बंदूक जो है कितनी दी गई थी ये पुलिस जो है बता सकते हैं, लेकिन एक पिस्तौल में 6 गोलियां जो होती है वो पूरी यहाँ पर दाग दी गई थी, 3 गाड़ियों पे गए थे, 3 गाड़ियों के बाद 2 उनके पेट में जाके लेके, जिसके बाद उनकी मौत हो चुकी है अस्पताल ले जाते जाते वक्त। तो देखिए ये घटना जिस तरह से घटी है वाकई में हैरान कर देने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आ तो रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि इसमें जब और पूछताछ होगी, जो मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, 3 शूटर से 2 को हिरासत में लिया है, जो अभी भी फरार है वो कहां पर पकड़ा जाएगा उस पर पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि नेक्सस कहां से चलता है, कौन किसने ऑर्डर दिया था, क्योंकि मुंबई में 1 महीने पहले से मुंबई के कोला इलाके में आकर उनके बाबा सिद्दीकी के ऑफिस और जिनका घर है उसकी वो रेकी किया करते थे, तो पहले से प्री प्लान 1 महीने से पहले प्लानिंग हो चुकी थी कि 1 महीने के अंदर ही बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोलियां जो है वो उन्हें मारना है, उन्हें किल करना है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो घटना है पहले से 1 महीने पहले से आरोपी जो है इसकी तलाश में थे कि कब बाबा सिद्दीकी को किले पा जाए, या बाबा सिद्दीकी का लोकेशन ट्रैक हो या कहां वहां मूवमेंट कर रहे हैं उसी जगह पर उन्हें जो है गोलियां मार दी जाए। बिल्कुल शुभम, ये भी जानना चाहूंगी, देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम तो सामने आ ही रहा है, लेकिन क्या इंटरनली भी कोई जुड़ा हुआ है उनसे जो तमाम जानकारी अपडेट जो है अपराधियों को दिया करता था, इस तरह का भी कोई पहलू क्या इस मामले में देखा जा रहा है? अब देखिए उनके लोकेशन के बारे में कौन जानकारी देता या उनके करीबी के बारे में, ये तो पुलिस जो है आरोपी से जब पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा, क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करके तो ही पता चल पाएगा कि अंकित ठीक कौन से दिया करता था, उनके बारे में कौन कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, किस लोकेशन के बारे में, क्या उनका कोई करीबी था, क्या उनका कोई निजी दुश्मन था, ऐसे भी सारी चीजें होती हैं, तो उसके बारे में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मामले में अलग अलग एंगल जो है वो सामने आएंगे। चलिए ठीक है।